दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक कार कैसे काम करता है। पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं इलेक्ट्रिक कार्स वर्सेस आईसी इंजन कार के बारे में। इलेक्ट्रिक कार में रहता है इंडक्शन मोटर, इन्वर्टर, लिथियम आयन का बैटरी पैक, मेनली ये तीन चीज़ें रहता है। पहले आते हैं इंडक्शन मोटर में। ये इंडक्शन मोटर इन्वेंट किया था निकोला टेस्ला और गैलीलियो फेरारीस ने लगभग 100 साल पहले। ये इंडक्शन मोटर में दो मेन पार्ट्स रहता है, एक है रोटर और एक है स्टेटर। रोटर वाला पार्ट अंदर रोटेट होता है, घूमता है और स्टेटर वाला पार्ट फिक्स्ड रहता है। अब स्टेटर में 3-phase एसी करंट दिया जाता है। एसी करंट जो है वो इन्वर्टर से होके आते हैं, क्योंकि बैटरी जो होता है वो ऑलवेज डीसी करंट प्रोड्यूस करता है, इसलिए तब इन्वर्टर काम में आते हैं। इन्वर्टर वो डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एसी करंट इंडक्शन मोटर को ड्राइव करता है, चलाते हैं, क्योंकि ये इंडक्शन मोटर डीसी करंट से नहीं चलता है बल्कि एसी करंट से चलता है। अब इंडक्शन मोटर में 3-phase एसी करंट दिया जाता है। इसके बाद इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो कॉन्स्टेंटली रोटेट होता है। स्पेसिफिकली टेस्ला कार के इंडक्शन मोटर में 4 पोल वाला मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। एनीवेज ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर में करंट इंड्यूस करता है, एज ए रिजल्ट रोटर घूमता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आगे आगे रोटेट होता है और रोटर ठीक उसके पीछे पीछे रोटेट होता है। इंडक्शन मोटर का जो स्पीड है वो एसी पावर सप्लाई का फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। सो हम एसी पावर सप्लाई का फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के या घटा के अल्टीमेटली ड्राइव व्हील्स का स्पीड को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। मोटर स्पीड 18,000 RPM तक जा सकता है। यही एक इलेक्ट्रिक मोटर के प्लस पॉइंट है, क्योंकि एक इंटरनल कम्बस्चन इंजन को 8,000 RPM या 10,000 RPM तक जाने में भी मुश्किल होता है। और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक कार में कोई स्पीड वेरिएशन ट्रांसमिशन यानी गियरबॉक्स की ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक कार में भी होता है। आईसी इंजन में पावर फ्लो स्मूथ नहीं है, इसलिए क्रैंकशाफ्ट में काउंटर वेट्स लगता है, फ्लाईव्हील्स की ज़रूरत होता है। इलेक्ट्रिक कार में इस तरह के कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक कार में पावर जो है वो कहाँ से मिलता है। ये पावर लिथियम आयन बैटरी से मिलता है। ये लिथियम आयन बैटरीज एक्चुअल में AA बैटरीज होता है, जो हम डेली बेसिस में यूज़ करते हैं वॉल क्लॉक में या फिर रिमोट में। ये जो बैटरी पैक्स है इनमें से कुछ बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और इनमें से कुछ बैटरीज को पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट किया जाते हैं। तो दोस्तों ऑपरेशन के दौरान ये बैटरीज गर्म हो जाते हैं, तो इन बैटरीज में से बीच में से होके एक मेटल का ट्यूब गुजरते हैं, उसमें से ग्लाइकोल कूलेंट सर्कुलेट होता है बैटरी सेल्स को ठंडा रखने के लिए। ऐसा मानना है कि टेस्ला ने ये बड़ा बैटरीज को छोड़कर ये छोटे छोटे ये डबल साइज का बैटरीज इसलिए चुना कि ताकि इफेक्टिव कूलिंग हो सके बैटरीज का। बैटरीज का जो सेट है वो कार के नीचे का सरफेस में इंस्टॉल किया हुआ रहता है, तो कार का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जितना नीचे वाला हिस्से में रहता है उतना ही कार की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहाँ ही ख़त्म करता हूँ। बने रहिए हमारे साथ, आप सब लोग सुस्त रहिए। धन्यवाद।